नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर सेटअप। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टार्ट किया था और स्ट्रिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कितने टाइप्स बनाया जाता है, वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ओके दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा हटके है। हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जावा के API क्या है। इतने सारे पैकेजेज दिए गए हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे फाइनल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उन्हें कैसे यूज करना है। ओके, सपोज कीजिए मैंने आपको कंप्यूटर दे दिया और आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। कंप्यूटर आपको मैंने दे दिया, आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आ रहा, तो कंप्यूटर आपके लिए क्या है, बेकार है। उसी प्रकार जावा क्या है, जावा में बहुत सारे पैकेज दिए गए हैं, बहुत सारे क्लासेस दिए गए हैं, उनके अंदर मेथड्स दिए गए हैं जो आपके प्रोग्राम को बहुत ईजी बना देता है। लेकिन उन प्रोग्राम्स में उन सारे मेथड्स को कैसे यूज करना है, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, समझ रहे हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनको एक्सेस करके उनके मेथड्स को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। और जितने भी हम लोगों ने उपसे कॉन्सेप्ट सीखा, चाहे वो पॉलीमॉर्फिज्म हो, चाहे इनहेरिटेंस हो, चाहे एब्स्ट्रैक्शन हो, चाहे इनकैप्सुलेशन हो, ओके, चाहे एग्रीगेशन हो, तो उन सभी में जो हम लोग जो मेथड्स जो दिए गए हैं जावा के, जो प्री डिफाइंड है, उनको कैसे एक्सेस करना है। तो क्लास कॉन्सेप्ट में जो हमने डिस्कस किया था, अगर आप दोस्तों अगर आपने क्लास कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है दोस्तों, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, ओके। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, क्लास कॉन्सेप्ट देख लें। वहाँ पर मैंने बात किया था दो एनवायरनमेंट के बारे में, स्टैटिक एनवायरनमेंट और नॉन स्टैटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर हमने बात किया था मेथड का सिग्नेचर के बारे में, रिटर्न टाइप होना चाहिए, एक्सेप्ट मॉडिफायर होना चाहिए। तो उन्हीं सब के बिहाफ पे हम लोग फंक्शन को पहले पहचानना सीखेंगे, फिर उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो पहले API के बारे में समझें। तो API क्या है, मैंने बता दिया, जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, चाहे वो क्लास हो, मेथड्स हो, पैकेजेज हो, ठीक है, सभी को हम लोग, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, इन सभी को हम लोग बोलते हैं API। जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द एरिया ऑफ जावा डेवलपमेंट किट JDK एंड API इंक्लूड्स क्या क्या होता है, देखिए, क्लासेस, इंटरफेसेस, पैकेजेस, ओके, एंड देयर मेथड्स, फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर, ऑल दिस बिल्ट इन क्लासेस गिव बेनिफिट्स टू द प्रोग्रामर, ओनली प्रोग्रामर्स अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दैट क्लास, ओके। अब उन सारे क्लासेस को कैसे यूज करना है, सबसे बड़ा यही तो है। जावा सीखने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपने जो प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर जो मेथड्स है उसको यूज़ करना ही नहीं सीखा आपने, और उसको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें उसे, जैसे मान लीजिए टू स्ट्रिंग फंक्शन है या कैरेट फंक्शन है, कैसे यूज करना है और उसको प्रोग्राम में कैसे मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में आज, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा सारा का सारा, ओके। साथ ही साथ देखेंगे कि अलग अलग जो है कमांड के थ्रू देखेंगे कि बहुत सारे क्लासेस का मेथड जो है कैसे निकाला जाता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, वो भी मैं आपको कमांड दिखाऊंगा, जो बेहतरीन कमांड है दोस्तों, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आज, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। एंड पैकेज विजुअली असिस्ट अ प्रोग्राम टू मिनिमाइज द लाइंस ऑफ कोड, सपोज कीजिए आपको नेम का रिवर्स करना है, तो रिवर्स फंक्शन पहले से दे दिया गया है, तो आप रिवर्स फंक्शन यूज़ कर लीजिए, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आपको किसी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है। टू कैरे एरे फंक्शन दिया गया, उसको यूज़ कर लीजिए। आज हम लोग स्ट्रिंग के कैरेक्टर का इंटीजर क्लास, फ्लोट क्लास, डबल क्लास, समझ रहे हैं। उसी प्रकार बहुत सारे क्लासेस है, स्कैनर क्लास, फाइल क्लास, ओके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास, ओके, बहुत सारे क्लासेस हैं। तो उन सभी क्लासेस के अंदर मेथड्स हैं, लेकिन उन सभी मेथड्स को यूज कैसे करना है, जैसे मैथ क्लास है, मैथ क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं, अब उनको कैसे यूज़ करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तब उनको कैसे एक्सेस करेंगे, फिर जब आप क्लास को जब स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या पॉलीमॉर्फिज्म पे, यानी मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे जो मेथड्स बना कर रख दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको कैसे पहचानेंगे हम, आज हम लोग इसी पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बात किया था क्लास कॉन्सेप्ट में कि दो टाइप के एनवायरनमेंट पे जावा हम लोग काम करते हैं। पहला जो एनवायरनमेंट है दोस्तों वो है आपका स्टैटिक और दूसरा है नॉन स्टैटिक। अगर आप फंक्शन से पहले स्टैटिक लिख देते हैं तो स्टैटिक एनवायरनमेंट बन जाएगा, नॉन स्टैटिक लिखते हैं तो नॉन स्टैटिक। मैंने बताया था कि जब भी नॉन स्टैटिक मेथड को अगर एक्सेस करना होगा, ठीक है, स्टैटिक के एनवायरनमेंट में या फिर कहीं भी, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड को अगर आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आप
नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, क्लास के ऑब्जेक्ट से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और फिर उसमें देखिए आर्गुमेंट है कि नहीं, फिर उसमें चेक करिए उसका रिटर्न टाइप क्या है। ओके, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग एरे है, कैरेक्टर एरे है, इंटीजर एरे है, उसी के अकॉर्डिंग उस टाइप के वेरिएबल में उस फंक्शंस के रिजल्ट को आपको स्टोर करना पड़ेगा। ओके, अब इन सभी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जावा में जितने भी आपका डेटा टाइप है, सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप है स्पेशली, उन सभी के लिए रैपर क्लास बनाया गया है। अब रैपर क्लास का पर्पस क्या था, आखिर जावा में रैपर क्लास क्यों बनाया गया, ये भी दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को। रैपर क्लास का मेन मकसद क्या था कि हम जो भी जावा में काम करें वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो काम हो, यानी हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप कम से कम यूज करें, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है हम कम से कम यूज करें, ये मकसद था रैपर क्लास का। इसलिए सारे रैपर क्लास मतलब सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप का, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, बाइट हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, ठीक है, सभी के लिए आपका एक रैपर क्लास। जैसे आपका इंट है तो इंटीजर, कैर है तो कैरेक्टर, डबल है तो डबल ही दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने लिख भी रखा है, कैर कैरेक्टर, फ्लोट फ्लोट, लॉन्ग लॉन्ग, डबल डबल, बुलियन बुलियन। ओके, मेन पर्पस भी मैंने लिख रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आपको काम करना है। तो अब इन सभी मेथड को कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, तो वो तो देख के पहचान लेंगे हम, ठीक है, कि कैसे एक्सेस होगा। अब कैसे यूज़ करना है इस पर हम लोग फोकस करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोट पैड पर ही देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, कैसे यूज़ किया जाता है नोट पैड पर हम लोग पहले ये सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे आपका यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं क्या है हमारा, ये नेटबीन्स आईडी, इस पर भी हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, CMD और इनपुट कर लिया, फिर CD डेस्कटॉप, ओके CD लर्नर्स अड्डा आ गए फोल्डर में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नोट पैड बना ले। ओके, इसमें अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, तो वो सारा जो है आप देख लें पहले वाले वीडियो दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो हो सके तो थोड़ा आपको कम समझ में आए, इसमें चाहता हूँ आप सीरियल वाइज सारा वीडियोज़ देख लें। ओके, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहला काम कि मैंने एक नोट पैड बनाया, NOTE नोट पैड, और MATH मैथ क्लास, ठीक है, मैथ क्लास मैंने बना लिया डॉट जावा। ओके, और अब मुझे क्या करना है, जो प्री डिफाइंड मैथ क्लास है उसके सारे मेथड को मुझे एक्सेस करना है। तो मुझे तो पहले पता होना चाहिए मैथ क्लास के फंक्शन कौन कौन से हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, मैथ क्लास के सारे फंक्शन को हम लोग पहले एक नोट पैड पर ले आते हैं। तो नोट पैड पर लाने के लिए क्या है, एक देखिए जावा पी, ये डी असेंबलर है, इसे क्या कर सकते हैं आप प्री डिफाइंड क्लासेस एंड मेथड देख सकते हैं किसी भी पैकेज में अवेलेबल क्लासेस को। तो रेफर करिए वो जावा डॉट लैंग डॉट मैथ MATH, अगर ऐसे करेंगे तो देखिए सारा आपको फंक्शन आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये आपको यहीं पे दिख रहा है अगर बात करें तो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे यहाँ देखिए 2 रेडियन है, उसके बाद अगर बात करें एड एक्सट्रैक्ट है, रैंडम है, ये क्या करता है रैंडम नंबर आपका जनरेट करता है, ठीक है। अगर बात करें इसका तो डबल जो है ये क्या करता है आपका रैंडम नंबर जनरेट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे राउंड है, इसका रिटर्न टाइप क्या है देखिए आपका, यानी यहाँ पर उसके बाद देखिए फ्लोट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, डबल वैल्यू भी पास, पाव है देखिए, मान लीजिए मुझे इस पावर को यूज़ करना है, समझ रहे हैं, यहाँ देखिए मुझे इस पावर को POW जो है इसको यूज़ करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि सारा सारा जो फाइल है पहले एक नोट पैड पर आ जाए, ये सारे फंक्शन जो है एक नोट पैड पर आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों एक कमांड है, ठीक है, पहले तो ये लिख देंगे जावा पी, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ उस क्लास का नाम, फिर 2 बार जो है ग्रेटर देन संग, फिर स्पेस, उसके बाद फाइल का जिस फाइल से आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैथ फंक्शन MATH मैथ फन, ठीक है, CTIN मैथ फंक्शन डॉट TXT फाइल क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका मैथ फंक्शन डॉट TXT फाइल ये आपका लर्नर्स अड्डा के अंदर क्रिएट हो गया होगा। ओके, और अब उसको ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे MATH मैथ फन CTIN मैथ फंक्शन डॉट TXT, लिखते ही आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। ये देखिए यानी ये फाइल क्रिएट हो गई हो गया, और देखिए आपका सारा ओपन हो गया,
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से फंक्शन है और अच्छी तरीके से, यानी उस क्लास से जुड़े हुए सारे फंक्शन देखिए अब आपका एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। उस पर अगर आपको स्ट्रिंग क्लास का चाहिए तो स्ट्रिंग क्लास का कर सकते हैं, कैरेक्टर क्लास का चाहिए तो कैरेक्टर क्लास का कर सकते हैं। जिसका चाहिए आपको सिंपल से जो है ये कमांड दोस्तों याद रखना है जो मैंने बताया। क्या बताया? सबसे पहले आपको जावा पी लिखना है, जावा डॉट लैंग जो जिस पैकेज में है वो, फिर उस क्लास का नाम, फिर ये ग्रेटर देन साइन का दो बार, उसके बाद फाइल नाम जिससे आप क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए मैं क्रिएट करना चाहता हूँ इंटीजर क्लास में कौन कौन से फंक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके, कैसे यूज करेंगे ये भी देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है? तो मुझे इंटीजर क्लास से देखना है, तो फिर से मैंने यहाँ लिखा जावा पी और क्लास का नाम हटाकर यहाँ पे इस बार कर दिया इंटीजर, INTEGER इंटीजर, और इस बार मैं मैथ फंक्शन नहीं इंटीजर फंक्शन INT फंक्शन कर दिया, फिर इंटर कर दिया। ओके, आप जैसे अगर लर्नर से डालो जाए फोल्डर के अंदर चेक करेंगे आप तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप लर्नर से अड्डा के अंदर चलते हैं, ये देखिए लर्नर से अड्डा के अंदर आ गए हम लोग, और इसमें अगर आप ओपन करेंगे ये देखिए आपका इंट फंक्स मैथ फंक्शन यहाँ रहा और इंट वाला देखिए यहाँ पे रहा। ये देखिए सारा सारा आपका इंटीजर इंटीजर क्लास के अंदर जितने फंक्शन हैं वो देखिए सारा सारा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? इंटीजर क्लास के अंदर जैसे कंपेयर हो गया, कंपेयर अनसाइंड, ठीक है, डिवाइड अनसाइंड, हाईएस्ट वन बीट, लोवेस्ट वन बीट, देख रहे हैं बीट काउंट कितना बीट है। जैसे मान लीजिए आपने 15 लिख दिया, कितना बीट आएगा उसमें? चार। ओके, फिर रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रिवर्स, इंटीजर का अगर रिवर्स करना हो किसी नंबर का तो रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे दोस्तों फंक्शन दिया गया है। अब इस फंक्शन को हमें यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे पब्लिक है, स्टैटिक है, ज़रा इस फंक्शन को आप गौर से समझिए, मैं समझाता हूँ। सपोज़ करिए मुझे इसमें से यूज़ करना है रिवर्स यूज़ करना है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए ये जो लिख रहा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए स्टैटिक लिखा हुआ है, यानी ये फंक्शन स्टैटिक एनवायरनमेंट का हो गया। यानी अब ये फंक्शन कॉल कैसे होगा? जब ये फंक्शन ये कॉल होगा यानी रिवर्स, तो हमेशा क्लास के नेम के साथ, क्लास का नाम क्या है इसका? इंटीजर। तो हम कैसे यूज़ करेंगे? इंटीजर डॉट रिवर्स लिखेंगे। ओके, और फिर कोई सा भी इंटीजर इसमें पास कर देंगे और फिर उसको प्रिंट कर लेंगे। सपोज तुझे मुझे यही यूज़ करना है रिवर्स, तो REVERS इंटीजर पास करना है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आ गया और ये वाले में और लिखा CLASS क्लास MATH मैथ क्लास CLASS क्लास, और हमने यहाँ पर लिखा PUBLIC पब्लिक STATIC VOID void पब्लिक स्टैटिक void में, और हमने यहाँ पर क्या किया लिखा string आस, और हमने यहाँ पर सबसे पहला तो हमें क्या करना है, मुझे रिवर्स को यूज़ करना है इंटीजर क्लास का। मैंने चेक कर लिया कि स्टैटिक इन्वायरमेंट है, क्लास के नेम के साथ कॉल होगा, ठीक है? तो मैंने क्या कर लिया, देखिए लैंग पैकेज जो होता है वो डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज कोई और पैकेज होगा तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ऊपर में। ओके, तो फ़िलहाल अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंट, एक नम ले लिया नम, ठीक है, इंट नम, और उस नंबर में मैंने वैल्यू दे दिया 123। ओके, और दूसरा ले लिया INT इन रिजल्ट के लिए इज इक्वल टू। अब मुझे देखिए मुझे रिवर्स यूज़ करना है, तो मुझे क्या यूज़ करना है, स्टैटिक है यानी क्लास के नेम के साथ कॉल होगा, क्लास का नाम क्या है? इंटीजर, INTEGER इंटीजर डॉट फंक्शन का नाम क्या है? रिवर्स, REVERSE रिवर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर उसके अंदर मुझे एक इंटीजर पास करना है, तो इंटीजर मैंने पहले से बना रखा है नम। ओके, तो अब मुझे रिवर्स को भी प्रिंट करना है और नम को भी प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते हैं SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। उस बाद फिर मैंने दे दिया NUM ओरिजिनल नंबर, ठीक है, नंबर NUMBER नंबर इज, और हमने यहाँ पर प्लस लिखा और RES कर दिया, ठीक है? तो अब चलते इसे रन कराते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए कमांड प्रॉम्प्ट पे और हमने लिखा JAVA C
और MATH मैथ क्लास, ओके मैथ CLAS मैथ क्लास डॉट जावा, और इंटर कर लिया हमने, ठीक है कोई एरर नहीं। तो हमें रन कराना है तो हमने इसमें रन भी करा लिया। ये देखिए एक नेगेटिव नंबर जो है आ रहा है ये, ठीक है नंबर इज -5734, ओके तो ये एक नंबर आ रहा है। अब ये जो नंबर है अगर बात करें तो ये एक्चुअली में उसका जो है कहाँ गया मैथ क्लास, इस नंबर का ये क्या कर रहा है रिवर्स, मतलब ये बिट का जो होता है जो मेमोरी एड्रेस ये उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए क्या कर रहा है ये आपको 5710 जो भी है आपने पास कर दिया। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर, मैं एक छोटा नंबर देता हूँ, मैंने नंबर दिया यहाँ पर 12 दिया, ओके कंट्रोल एस, और अब मैंने यहाँ पर क्या किया इसको रन कराया, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए और हमने कंपाइल करवा लिया और उसके बाद फिर रन कराया। देखिए एक वैल्यू आ रहा है 8053063 68, ठीक है। और इसके बाद क्या करिए, उसको 12 दिया है, एक और नंबर दीजिए, मैंने इस बार एक और नंबर दे दिया यहाँ पर आकर आपका 13 दे दिया, ठीक है। तो इंटीजर का होता है 4 बाइट, तो देखिएगा यहाँ पर 4 का आपको कंट्रोल एस, अभी तो 68 है, दोबारा इसको कंपाइल कीजिए, कंपाइल कर लिया और हमने रन कराया। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है -1380, ओके तो इस प्रकार जो है आप नंबर को एक्सेस करेंगे। अब यहीं पे अब चलते हैं हम लोग मैथ वाले क्लास में, ये देखिए। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं नंबर को एक्सेस करते हैं। अब मान लीजिए मुझे मैथ वाले में भी देखिए सारा स्टैटिक ही है, दिख रहा है आपको यहाँ पर सारा सारा क्या है स्टैटिक है, तो मुझे इसको एक्सेस करना है। सपोज़ कि मुझे एक्सेस करना है ये मैक्स को यूज़ करना है, ठीक है मैक्स, तो यहाँ देखिए मैक्स का बहुत सारा है 1 2, अगर ये सारा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए मैक्स का यहाँ पर आपको 4 फंक्शन दिख रहा है 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ओवरलोडेड मेथड्स, जो प्री डिफाइंड क्लास मैथ में आपको ऑलरेडी बना कर दे दिया, मतलब इंटीजर पे अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग पे अप्लाई कर सकते हैं, डबल पे कर सकते हैं, फ्लोट पे कर सकते हैं, ओके इन सभी पे कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए फिर आपका मिनिमम के लिए दिया गया है, ओके आप मिनिमम भी देखिए क्या किया गया है फंक्शन का ओवरलोडिंग किया गया है, ये प्री डिफाइंड आपको बना कर दे दिया गया है अगर बात करें तो, ओके तो अब हमें इसे एक्सेस करना है। तो हम इन फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे ये सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया क्या ये स्टैटिक है, यानी कैसे कॉल होगा क्लास के नेम के साथ कॉल होगा, ओके और फिर हमने क्या ये जो लिखा हुआ इंट, ये हो गया इसका रिटर्न टाइप, ये हो गया फंक्शन का नाम, और ये हो गया 2 आर्गुमेंट मतलब इंटीजर हमें पास करना है। तो मैं आ गया यहाँ पर, ओके और हमने क्या किया यहाँ पर, अब इन सभी को मैं हटा देता हूँ, ठीक है मैंने हटा दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने MATH मैथ डॉट MX मैक्स, और इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल पास कर दिया 12 कॉमा
45 और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर था, तो मैंने एक इंटीजर के ले लिया। ओके तो के में रिजल्ट स्टोर हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैंने रिमूव कर दिया, कंट्रोल एस। ओके मैथ डॉट मैक्स 12.45 ये हमने, और अब इसको हमें रन कराना है। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, एस वाई एस टी ई एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी एल एन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हमने क्या किया यहाँ पर मैक्स रिजल्ट, मैक्स रिजल्ट इज, और यहाँ पर प्लस की। ओके तो इस प्रकार हम लोग, तो मैक्स क्या है हमारा स्टैटिक मेथड है। यहाँ देखिए इसकी बात करें तो हमने ये वाला फंक्शन यूज किया है, ये दिख रहा है पब्लिक स्टैटिक मैक्स इंट कोमा इंट। तो कैसे इसे करना था, रिटर्न टाइप इंटीजर था, यानी हमने क्या कर लिया इंटीजर में स्टोर कर लिया, फिर स्टैटिक था तो हमने क्लास के नेम के साथ कॉल कर लिया। ओके और उसका नाम था फंक्शन का मैक्स, और इसमें दो आर्गुमेंट पास करना था, आप वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ओके और हमने अब सेव कर लिया, वापस आ जाए हम इधर, 45 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी ठीक है, देखिए क्या आ रहा है, 45 हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, वापस आते हैं इधर, तो उसी प्रकार मान लीजिए ये तो हो गया सारा स्टैटिक मेथड को हमने कैसे एक्सेस किया। अब कहीं कहीं पर क्या होगा, आपका नॉन स्टैटिक आ सकता है, ठीक है, तो फिर उसे कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसे हम लोग एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज ये ऐसे स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि क्या है आपका नॉन स्टैटिक है, तो उसे कैसे एक्सेस करना है, तो हमें पहले स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड को हम लोग एक्सेस करने के लिए चलते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे मेथड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखे हैं, जैसे कैर एट कॉन्केटनेट कंटेन्स, ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको जैसे कैर एट का रिटर्न टाइप क्या है आपका कैरेक्टर, यानी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या करता है, ये आपको एक कैरेक्टर रिटर्न करता है। ऐसे सारे मेथड को भी आप यहाँ से भी जान सकते हैं, ठीक है, आपको क्या लिखना है डायरेक्ट यहाँ पर जावा पी, मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग के बारे में जानना है, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर आपका ये हटा कर यहाँ पर एस टी आर कर देते हैं, एस टी आर फंक्शन, ठीक है, एस टी आर फन, और यहाँ पर क्लास का नाम हटा दीजिए, मैंने कर दिया एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग और इंटर, ठीक है, तो अब तो ये फाइल बन चुकी है एस टी आर फन, एस टी आर एफ यू एन फन डॉट टी एक्स टी, इंटर कर दीजिए, तो ये देखिए सारा फाइल आ चुका है, फाइल में जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, तो इसमें बहुत सारे मेथड जो हैं हमारे नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक को कैसे एक्सेस करना है आइए हम लोग, है तो बहुत सारे मेथड लेकिन इसमें से कुछ जो है मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट मेथड्स का ही बात करेंगे। ओके दोस्तों तो मैंने जैसे मान लीजिए मुझे यूज करना है इसमें ये यूज़ करना है, गौर से समझते हैं इसको, ये इस लाइन को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए टू अपर केस जो फंक्शन है, ठीक है, ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, यानी इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, यानी इसके जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। दूसरी बात हमने क्या समझ लिया, रिटर्न टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग है, और ये स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, तो स्टैटिक तो लिखा हुआ है नहीं यहाँ पे, यानी ये कैसा फंक्शन है, नॉन स्टैटिक है, तो कैसे एक्सेस होगा, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ये आपका यूज होगा। ओके तो उस प्रकार लोअर केस भी देखिए आपका नॉन स्टैटिक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे एक्सेस होगा, ये सारे सारे आपका स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। ओके तो मान लीजिए इसी में मैथ वाले क्लास में ही मुझे स्ट्रिंग को भी यूज़ करना है, तो सपोज़ कीजिए सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बता ही चुके दो तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ, एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग, एस इज इक्वल टू, मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैंने लिख दिया एल ई ए आर एन ई आर एस लर्नर्स अड्डा, ये मैंने लिख दिया लर्नर्स अड्डा, ठीक है, मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, और उसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग ही है, मैंने एक स्ट्रिंग और बना लिया स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इन अपर केस,
अपर केस स्ट्रिंग इज इक्वल टू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा एस है, फिर डॉट टू अपर केस फंक्शन करना, ओके टू यू डबल पी ई आर अपर केस। आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको पहले स्ट्रिंग मेथड के पैटर्न को समझिए, उसका रिटर्न टाइप क्या है, वो कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, वो स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, सबसे पहले ये देखिए। ओके पहले पहले डिसाइड कर लीजिए, अगर स्टैटिक है तो क्लास के नेम के साथ कॉल होगा, जैसे अभी देखेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ, इसी में देखिए स्ट्रिंग वाले में टू अपर केस। अब आप जो है ईवेस को मतलब अपर स्ट्रिंग को प्रिंट कर लीजिए, एस वाई एस टी ई एम, एस वाई एस टी ई एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी एल एन। और हमने यहाँ पर यू डबल पी ई आर अपर केस नेम प्लस हमने लिख लिया यूएस, ओके। तो अब आपको यहाँ पर केस में भी रिजल्ट देगा, इसको रन करा लीजिए मैथ क्लास पे, क्योंकि मैंने क्लास नाम तो चेंज किया नहीं, ये आ गया। फिर से हमने रिकम्पाइल कर लिया और जैसे हमने किया ये देखिए आ रहा है लर्नर सेट आपका पूरा अपर केस में आ रहा है, ओके। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कैसे इसको यूज किया जाता है। अगर आप एक बार तो मेथड इसका राज क्या है समझने के लिए, इसका रिटर्न टाइप देख लीजिए, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यूज़ करना होगा। उसी प्रकार ट्री में ये इस वाइट स्पेस को रिमूव करता है लेफ्ट से और राइट से, ये क्या करता है आपको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करता है टू कैर एरे, यानी इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है कैरेक्टर एरे है, मतलब अगर मुझे टू कैर एरे यूज़ करना होगा तो इसको किस टाइप का वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा कैरेक्टर एरे का। तो चलिए मान लीजिए मुझे टू कैर एरे अगर यूज़ करना है सॉरी तो कैसे यूज़ करेंगे, तो हम वापस आ गए अपने प्रोग्राम में, ओके। और हमने मुझे टू कैर एरे यूज़ करना है तो मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ टू कैर एरे। तो हम देख चुके हैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है कैरेक्टर एरे है, तो मैंने एक सी एच ए आर कैरेक्टर सी एच एक कैरेक्टर एरे बना लिया इज इक्वल टू, फिर क्या है नॉन स्टैटिक है, ओके ये हमने देख लिया ये जो है हमारा नॉन स्टैटिक है टू कैर एरे, ठीक है। तो कैसे कॉल होगा क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा एस है, तो एस डॉट टू सी एच ए आर कैर एरे ए डबल आर ए वाई, इस प्रकार हम लोग यूज करेंगे। और बाकी जो प्रिंट करना है प्रिंट करा लीजिए जो एक्सेस करना है, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर आपका रनर सेट अब आपका एरे में कन्वर्ट हो चुका है कैरेक्टर एरे में। तो यही चीज़ आपको सीखना है कि नॉन स्टैटिक को कैसे यूज करना है, स्टैटिक को कैसे यूज करना है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई कैरेक्टर क्लास का भी फंक्शन हो सकता है, चाहे इंटीजर क्लास का हो चाहे मैथ क्लास का हो, कंसेप्ट कभी दोस्तों नहीं बदलेगा, ठीक है। कंसेप्ट जो है दोस्तों वो कभी नहीं बदलेगा, तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है कि स्टैटिक है नॉन स्टैटिक, पहले ये पहचानिए फिर रिटर्न टाइप पहचानिए, ठीक है। उसके बाद क्लास के नेम के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यही तो फोकस करना है, ओके। आपको जो है फोकस करना है पहले फंक्शन को पहचानना सीखिए प्री डिफाइंड को, फिर अपने प्रोग्राम में उसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग फिर आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पहले एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसी प्रकार मान लीजिए इंटीजर क्लास हमने यूज़ कर लिया, मैथ क्लास के कुछ फंक्शन यूज कर लिया, उसी प्रकार मुझे मान लीजिए इसी में देखिए स्ट्रिंग क्लास में ही मुझे अगर इंटीजर को किसी में लास्ट में आइए देखिए एक वैल्यू ऑफ है, ये देखिए ये वाला फंक्शन अगर बात करें देखिए वैल्यू ऑफ कितना रिटर्न ये है आपका, इसका अगर आप ओवरलोडिंग देखें तो वैल्यू आपको देखिए अगर किसी इंटीजर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, तो आप वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देखिए वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है ये स्टैटिक है, तो कैसे कॉल होगा डायरेक्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, कैसे कॉल होगा मान लीजिए मैंने कोई इंटीजर लिया, ठीक है मैंने यहाँ पर कोई इंटीजर लिया, सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक इंटीजर लिया आई एन टी इंट इंट और एन इज इक्वल टू ये लिया 124, ये इंटीजर है मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, हाउ टू कन्वर्ट इंटीजर इंटू स्ट्रिंग, हाउ टू कन्वर्ट इंटीजर इंटू स्ट्रिंग, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो हमें चेक करना, देखिए जब भी कोई प्रोग्राम बनता है ना और जो आपका डाउट जो आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बात हो रही है इंटीजर और स्ट्रिंग की, यानी हम जो मेथड जो सर्च करेंगे या तो स्ट्रिंग क्लास में जाके सर्च करेंगे या इंटीजर क्लास में जाके सर्च करेंगे, ओके। मतलब कहने का अर्थ हुआ जो प्रॉब्लम जो आती है ना
उसको प्रॉब्लम को गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा कि सॉल्यूशन की करने के लिए मुझे क्या करना है। आपको जड़ तक जाने के लिए आपको समझिए, यहाँ पर मैथ में जावा में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको जिस टाइप का फंक्शन होगा उसी टाइप का क्लास भी नाम मिलता जुलता आपको मिल जाएगा, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंटीजर और स्ट्रिंग की बात हो रही है, यानी हम स्ट्रिंग वाले क्लास में जाके मेथड को चेक करेंगे या फिर इंटीजर वाले क्लास में जाके मेथड को चेक करेंगे, कोई ना कोई आपको ऐसा मेथड मिल जाएगा जो आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हो। तो हमने यहाँ पे आया, जब स्ट्रिंग क्लास में हमने देखा तो देखने के बाद यहाँ पे समझ में आया कि एक वैल्यू ऑफ एक फंक्शन है जो कि स्टैटिक है, और उसमें अगर आर्गुमेंट अगर हमने पास कर दिया एक इंटीजर को तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर देख लिया, ओके, यानी हमें ये फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे कॉल होगा ये, स्ट्रिंग डॉट, क्यों, क्योंकि स्टैटिक है, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पर और इसमें अब मुझे इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और रिटर्न टाइप तो क्या है इसका, देखिए स्ट्रिंग ही है, तो मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया, strING स्ट्रिंग, ठीक है, snum मतलब तो स्ट्रिंग इन न्यूमेरिक। और कैसे कॉल होगा, स्ट्रिंग स्टैटिक है तो क्लास के नेम के साथ strING स्ट्रिंग डॉट value वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ जैसे फंक्शन स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक इंटीजर पास कर देना है, तो इंटीजर क्या है वो n, ठीक है। अब इसको आप रन करा लीजिए आराम से, system सिस्टम डॉट आउट डॉट print ln प्रिंट ln। और अब हमने क्या किया यहाँ पर, प्लस आपने sn, तो sn दोस्तों अब हमारा जो इंटीजर था 124 अब वो इंटीजर नहीं रहा, अब वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, स्ट्रिंग में, ओके। तो ये आपको फोकस करना है, ओके, ये आपको क्या करना है, फोकस करना है यहाँ पर, ओके, कि किस प्रकार आपको अगर स्टैटिक है तब कैसे यूज करना है, नॉन स्टैटिक है तब कैसे यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही ईजी है दोस्तों, ओके, बहुत ही ईजी है, ओके, और आप कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तुरंत कमेंट कीजिए, ओके, हम आपको अवेलेबल रहेंगे। आप नेटबीन्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ देखिए मैंने कंपाइल किया, क्योंकि आपने कोड में चेंज किया तो कंपाइल करना ही करना है। फिर देखिए मैंने इसको रन कराया 124, ये 124 न्यूमेरिक दिख तो रहा है लेकिन अब ये न्यूमेरिक नहीं है, अब ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार आप जो है नेटबीन्स में आपको और ये सारा चीज़ तो आपको उसी समय दिख जाता है जिस समय आप प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम लोग एक एक करके यूज करेंगे, ठीक है, और कैसे यूज़ करना है, फिर उसके बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। तो API को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, API बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको प्रीडिफाइंड मेथड्स का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ओके। मैक्सिमम केस में आपको उससे होगा कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अच्छा हो जाएगा और आप कम टाइम में, आखिर बनाया क्यों गया है, आखिर अलग अलग पैकेज में उस जरूरत के अकॉर्डिंग ही तो क्लासेस बनाया गया है, तो बनाने का मेन पर्पस भी तो यही था, बनाने का मेन पर्पस ही तो यही था कि आप क्या कर लीजिए आसानी से बना लीजिए, ओके, और फिर धीरे धीरे क्या कर दीजिए उसे एक्सेस कर लीजिए, ओके दोस्तों। तो आई होप API का दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।